यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं बागपत, जहां पर नितिन गडकरी यानी कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और 28 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनाया गया है 2.5 मीटर दोनों बाजू में, अब आप साइकिल पर भी चल सकते हैं और करीब 74 सर्विस रोड है। ये 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे जो है ये आगे दासना से आगे मेरठ तक, इसका भी काम जोरों में शुरू है और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अगले मार्च में इसका काम पूरा होगा और मेरठ से दिल्ली आने के लिए जो 4 घंटे लगते हैं आप 40 मिनट में दिल्ली पहुंचोगे, ये वादा मैं आपको करता हूं। आज दूसरा एक महत्वपूर्ण हाईवे जो है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए दिल्ली से जाना पड़ता था, काफ़ी ट्रैफिक जाम होता था और ये मामला बहुत पुराना था। क्योंकि मैं आपको याद कर देना चाहता हूँ कि पुराने सरकार में बहुत प्रयास हुए पर काम बंद पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गई, इसके लिए भूरेलाल जी के प्रमुखता में एक कमेटी अपॉइंट की गई, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड एक्विजिशन के लिए कुछ पैसा देना कबूल किया था, पर जब मैंने हमारी सरकार बनने के बाद मीटिंग बुलाई तो उन सरकारों ने कहा कि हमारी हालत ठीक नहीं, हम पैसा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था और उस समय हमने निर्णय किया कि इस विवादों में न पड़ते हुए हम पैसा खुद खर्चा करेंगे और हमने 6,000 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन खर्चा किया है और किसानों को बहुत अच्छी कीमत दी है, बाजार भाव से भी अच्छी कीमत दी है। इस हाईवे से 11,000 करोड़ लागत से 135 किलोमीटर का जो हाईवे है इसको बनाने से करीब 27% दिल्ली का प्रदूषण कम होने वाला है। इतना ही नहीं तो 41% ट्रैफिक जाम कम होने वाला है। जो 910 दिन में काम करना था, अनेक आंदोलन हुए, कोर्ट के स्टे आए, ग्रीन जज के तरफ से स्टे आए, सब प्रकार की दिक्कतें आई। मैं योगी जी को, मनोहर लाल जी को धन्यवाद देता हूं। मैं एक एक बार उनसे फ़ोन पर बार बार बात करता था लैंड एक्विजिशन के लिए, यहां के कलेक्टर कमिश्नर तक बात करता था, बार बार मीटिंगें करता था। बहुत कठिनाइयां आई पर दोनों राज्य सरकार ने हमें सहयोग किया और उस सहयोग के कारण ये काम हम पूरा कर सके। जो 910 दिन में काम करना था वो हमारे इंजीनियर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने केवल 500 दिन में पूरा किया है। यहाँ सब नई सिस्टम लगी है, वर्ल्ड की जितनी मॉडर्न सिस्टम है वो इसमें है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक डिजिटल, हमने एक प्रदर्शन का भी आयोजन वो किया है, वो भी उन्होंने देखा है और इसमें सभी प्रकार की जानकारियाँ है। वास्तुशिल्प को भी विकसित किया गया है, 28 जगह पर हमने फाउंटेन्स डेवलप किए हैं। ये हाईवे जो निर्माण हुआ इसमें 4.5 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी का इस्तेमाल हुआ, करीब 22,000 ट्रक एक दिन काम करते थे, 5,00,000 टन सीमेंट इस पर लगा है, 1,00,000 टन इस पर स्टील लगा हुआ है और इस हाईवे ने करीब 2,500 इंजीनियर्स को काम भी दिया है। करीब 5,500 कुशल अकुशल श्रमिकों ने रात दिन काम किया है और उसके बाद में इस एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं डिपार्टमेंट का मंत्री हूं पर मैं ये मानता हूं कि केवल ये मंत्री लेवल पर हमारा यश नहीं है, हमारे अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी, हमारे NHAI के मेंबर, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे काम करने वाले श्रमिक, जिन्होंने इस देश के लिए इस हाईवे को निर्माण करने के लिए रात दिन मेहनत की, उन सब के सहयोग के कारण, उनके परिश्रम के कारण आज देश का ये अति सुंदर ऐसा हाईवे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को समर्पित कर रहे हैं।